शरद पवार से मिलने पहुंचे अरविंद के शरद पवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल वाईआरसी सेंटर में केजरीवाल के साथ भगवंत मान राघव चड्ढा आतिशी भी पहुंचे। महाराष्ट्र में 12वीं एचएससी बोर्ड का रिजल्ट घोषित 91.25% रहा रिजल्ट मुंबई का सबसे कम 88.13% रिजल्ट। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इंडियन शूटर्स ने रचा इतिहास गनीमत सेखो ने सिल्वर और दर्शना राठौर ने ब्रॉन्ज पदक जीतकर बढ़ाया देश का मान। देश को मिली 17वीं वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दी हरी झंडी। पीएम ने नई संसद के कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर तंज कसा कहा ऑस्ट्रेलिया में साथ बैठा था पक्ष और विपक्ष। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत जारी है नई संसद के उद्घाटन पर 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार किया कांग्रेस सहित 20 दलों ने बहिष्कार की घोषणा की है। नए संसद के उद्घाटन पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे देश भर का एससी एसटी ये सवाल पूछ रहा है। बागेश्वर भाभा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एमपी सरकार की तरफ से दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा नरोत्तम मिश्रा ने कहा हमारा दायित्व है कि हम इतने बड़े संत को सुरक्षा प्रदान करें। पहलवानों ने सिखों के सबसे बड़े तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मांगा समर्थन सिखों के समर्थन में आने के लिए ज्ञानी हरप्रीत सिंह से अपील जारी करने को कहा। सतेंद्र जैन की हालत बिगड़ी जैन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया डीडीयू अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल हुए शिफ्ट तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर खाकर गिरने से आई थी चोटें। यूपी में लाउडस्पीकर पर सख्त सीएम योगी कहा रोक के बावजूद धार्मिक स्थलों पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयपुर को मिली होमगार्ड हेडक्वार्टर की सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया उद्घाटन। केरल में सरकार के खिलाफ उतरा बीजेपी एससी मोर्चा मार्च कर जताया सरकार का विरोध। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन शाम तक ओपीएस बहाली की अधिसूचना जारी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की मांग अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तरह सीतामणि में भी बने माता सीता का भव्य मंदिर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज से 3 दिनों तक करेंगे सियासी बैठक कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के बाद आज से उत्तराखंड में G20 की बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक शुरू 28 मई तक उत्तराखंड में होगा G20 समिट।